नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, रविचंद्रन अश्विन ने 500वीं टेस्ट विकेट कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि मेरे लिए लाइफ ये काफी अप्स एंड डाउन्स रही है, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि मैंने ये माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया। मेरे लिए सबसे लोएस्ट फेज 2018 और 2019 में था। मैं तब ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, तब मैं वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था, लेकिन उसके बाद मैं काफी नीचे आया और वो मेरा सबसे डार्क टाइम था लाइफ का। और जनरली मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ जो डर जाता हूँ डाउन से, और जब मेरा अच्छा डे होता है तब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, वाइफ से बात करता हूँ और एक अच्छी मूवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। और जब मेरा खराब दिन होता है तब मैं कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचता रहता हूँ और उससे बाहर आने का वे फाइंड करता हूँ। लेकिन वो जो बैड फेस था वो रियली डार्क टनल था मेरे लिए। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। और उसके बाद मुझे कुछ इंजुरीज हुई और वो सबसे बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, और तब मैंने सोच लिया था कि आई वॉज ऑलमोस्ट डन। लेकिन उसके बाद कोविड आया जिससे काफी अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ मेरे लाइफ में। तब मुझे न्यू मीनिंग्स पता चले खेलने के लिए। इस गेम के लिए मुझे काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन वो प्यार कम हो गया था और कोविड के वजह से क्रिकेट के लिए प्यार फिर से रीडिस्कवर हो गया। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 500 विकेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 500 विकेट मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है। और 2020 से जिस तरह से मैं अपने गेम को और अपने लाइफ को देखता हूँ काफी डिफरेंट है जिस तरह से मैं पहले देखता था। और लोगों से ज्यादा जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग आपको हाई पर लेके जाते हैं। अगर आपने क्रिटिसिज्म को राइट डायरेक्शन पर लिया और राइट एफर्ट्स लिए तो आपको एक्सीलेंस जरूर मिलेगी। नंबर टू गाइज, इंग्लैंड के कोच पॉल कॉलिंगवुड ने सरफराज खान को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। पॉल कॉलिंगवुड ने कहा कि हमने सरफराज खान के अगेंस्ट अटैकिंग फील्ड लगाई जिससे कि हम चांसेस क्रिएट कर सके, लेकिन सरफराज ने करेज दिखाकर प्लेयर के ऊपर से शॉट लगाए जिससे कि वो एक डिसेंट प्लेयर दिखता है। वो स्वीप शॉट काफी अच्छे से मारता है जिससे कि बॉलर ये अंडर प्रेशर आ जाता है, और डेब्यू मैच में ऐसा खेलकर दिखाने के लिए करेज लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू से रन आउट होना ये काफी शेम है, लेकिन उसकी बैटिंग से पता चला कि उसका एवरेज इतना अच्छा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने जरूर सेंचुरी लगाई, लेकिन एंड में सरफराज खान ने एक्सेप्शनल बैटिंग की। हमने उसके अगेंस्ट सारे प्लान यूज किए लेकिन वो काफी अच्छा खेला। नंबर थ्री गाइस, पार्थिव पटेल ने ध्रुव जुरेल को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। पार्थिव पटेल ने कहा कि मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ ध्रुव जुरेल की बैटिंग से। उसने अपना टाइम लिया और ट्रस्ट किया अपने डिफेंस पर। वो हार्ड हैंड से नहीं खेल रहा था, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा था। और मुझे मोस्ट इंप्रेसिव बात उसके फर्स्ट सेशन की बैटिंग लगी, क्योंकि उसने तब मार्क वुड को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसने बताया कि वो कैपेबल है पेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए, और जब मार्क वुड बॉडी पर बॉलिंग डाल रहा था वो अच्छे पोजीशन पर आ रहा था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।